अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर टीपू सुल्तान। तो आज हमने जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। तो हम इसमें अपने नोट्स भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ ना इसकी स्टडी भी करेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड होगा, मतलब आप इसको बार बार सुन सकते हैं। मकसद यही है, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी करनी होती है तो ये होता है मकसद कि आप लोग जो हैं वो बार बार जो है वो उसको रिपीट सुने और उसके बाद प्रैक्टिस करती रहें। तो आज हम जो स्टडी करेंगे उसमें जो है अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमें ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करनी है, वो ये हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि व्हाट इज़ नेटवर्क, के नेटवर्क क्या चीज़ है। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में पढ़ाया था कि जो नेटवर्क है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हों ईथरनेट केबल के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू या वायरलेस, तो ये हमारा बेसिकली ना नेटवर्क कहलाता है। और नेटवर्क में अब जैसे अभी आप देख तो हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लैन। लैन हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जिसमें स्विच इन्वॉल्व हो तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें स्विच इन्वॉल्व हो वो हमारा लोकल एरिया है। ये मेरे पास एक नेटवर्क है, ये मेरा माउस में शो हो रहा होगा, ये एक डिवाइस है, इसको हम लोग स्विच बोलते हैं। जो स्विच है इसके साथ हमने बहुत सारे पीसी अटैच किए हुए हैं और एक प्रिंटर अटैच है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। मतलब ये आप माउस का हेड देखें, ये कर रहा हूँ, तो जो डिवाइस है हमारी स्विच, उसके साथ ये सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं और एक प्रिंटर अटैच है। आप किसी भी कंप्यूटर से कोई भी कमांड दें प्रिंटर को तो वो हमारा कंप्यूटर जो प्रिंट आउट कर देगा, यानी प्रिंटर जो है वो प्रिंट कर देगा। क्योंकि ये सारे सिस्टम वो किसके साथ अटैच हैं, ये स्विच के साथ अटैच है। इसी तरह एक आप मेरे माउस की तरफ देखें, जो माउस का एरो है ये एक और नेटवर्क है, इसमें एक स्विच है और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स अटैच हैं, 3 to 4 अटैच हैं और एक प्रिंटर अटैच है। तो ये एक सेपरेट लोकल एरिया नेटवर्क है, ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट आप आगे आए तो ये एक हमारा स्विच है, ये एक सेपरेट ये नेटवर्क है, इसमें ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग सर्वर बोलते हैं और बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा सारा का सारा डाटा होता है। सर्वर हम यूज़ करते हैं जिसमें हमारा सारा का सारा डाटा सेव होता है, जैसे YouTube का सर्वर है। अब YouTube पे जैसे मैं अब आपको वीडियो लाइव कर रहा हूँ तो ये वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी YouTube के चैनल पर और उसके बाद फिर आप इसको लाइव जो है वो देख सकेंगे। तो वो डाटा जो होगा जो YouTube पे लाइव होगा वो हमारा सारा का डाटा किसमें सेव होगा? YouTube के सर्वर में। इसी तरह ये है कि ये एक स्विच अटैच है, ये लोकल एरिया नेटवर्क सेपरेट है, फिर ये एक स्विच अटैच है, ये दूसरा लोकल एरिया सेपरेट है, फिर ये एक स्विच अटैच है और इसके साथ बहुत सारे ये एक सेपरेट लोकल एरिया नेटवर्क है। अब ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो जब एरिया नेटवर्क में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें एक डिवाइस है, इसको हम लोग बोलते हैं राउटर। आप इसमें देखें ये मेरा एरो आप चेक कर लें, यहाँ से एक लाइन जा रही है राउटर के अंदर और यहाँ एक स्विच से एक केबल जा रही है राउटर के अंदर और इस स्विच से एक केबल जा रही है राउटर के अंदर। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें राउटर इन्वॉल्व हो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद ऐसा है कि ये नेक्स्ट आपको एक ऑरेंज कलर की वॉल नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं फायरवॉल। ये बेसिकली नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है और अभी सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना हमारा वो क्लाउड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, यानी जितना भी हमारा कम्युनिकेशन डाटा है वो सारा का सारा हमारा क्लाउड के थ्रू कम्युनिकेट। अच्छा अब हम आते हैं, एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, बोलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर ये आपको इजीली आप गूगल पे चले जाएं और वहाँ पे आप सर्च करें सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर और 7 point something का ना आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ना प्रॉपर अवेलेबल होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर जो है वो आपको अवेलेबल होगा। अब हमने ना इस पे इस सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर पे ना ये मैंने
मैं एक लेक्चर ऐसा दूंगा जिसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना भी हम, ये हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर जो है उसकी स्क्रीन आ गई है आपके साथ। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4 जो है मैं पी सी ले लेता हूँ, 1, 2 ये 3 और ये 4। ये मैंने ना 4 मैंने पी सी ले लिए, 4 मैंने कंप्यूटर्स ले लिए। अब और कंप्यूटर्स को ना मैंने एक डिवाइस है जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, उसके बाद स्विचेस में जाता हूँ और 2960 सीरीज का ना एक स्विच मैं आपका ले लेता हूँ। मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है, जिसको हम लोग लैन बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह स्टूडेंट पूछना चाहेगा तो ये सेशन जब क्लोज होता है तो वो क्वेश्चन मुझे ना व्हाट्सएप कर दे, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में ऐड है, या फिर वो आप कमेंट्स में मुझे सेंड कर दें कि सर मुझे ना इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, तो फिर मैं उसकी वीडियो आपको ना इस चीज़ को एक्सप्लेन की वीडियो मैं आपको सेंड कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना वो अपना क्रिएट करना है। तो जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है उसको हमने कैसे क्रिएट करना है, यहाँ से हम एक केबल लेते हैं। केबल में हमने ना यहाँ पर हमारे पास एक केबल है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। अब आपने देखा होगा लैपटॉप हो आपका पीसी हो, उसमें एक पोर्ट होती है जिसको हम फास्ट इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। ये जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है ना, ये बेसिकली इस्तेमाल होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए हम दो तरह की पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, एक लेस पोर्ट इस्तेमाल करते हैं और एक हम यानी वायरलेस कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई आप हॉटस्पॉट ओपन करते हैं अपने सेलफोन का और आप कनेक्टिविटी करते हैं, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप इथरनेट केबल यूज़ करते हैं, जो कि मैं अभी का इथरनेट केबल, तो मैं इसको स्विच के साथ अटैच करता हूँ। ये मैंने 2 नंबर जो पोर्ट है इसके साथ अटैच कर दी। अच्छा, स्विच के वाले से ये है जो मैंने अभी स्विच लगाया, ये 2960 सीरीज का स्विच है और ये जो स्विच है ना ये 24 पोर्ट का स्विच है। मतलब इसमें 24 लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसके हम आते हैं, इसको हमने ना अटैच कर दिया, नेक्स्ट हमने इसको अटैच कर दिया 4 के साथ और इसको हमने अटैच कर दिया। अब ये देखें, ये हमने ना एक नेटवर्क क्रिएट किया, इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन, क्योंकि इसमें स्विच इन्वॉल्व है और सब पीसी सेपरेट सेपरेट अटैच हैं सिस्टम के साथ। इसी तरह अब हम एक और डिवाइस लेते हैं जिसको हम लोग राउटर बोलते हैं, और राउटर जो है वो 2811 सीरीज का मैंने एक राउटर कनेक्ट किया और इसको मैंने केबल के थ्रू जो है वो अटैच कर दिया। स्विच की पोर्ट नंबर 1 है और ये मैंने अटैच कर दिया राउटर की 0/0 पोर्ट के साथ। अभी मेरे पास राउटर की 2 पोर्ट्स आ रही हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट्स, इसको मैंने 0 कनेक्ट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ना अभी ये लोकल एरिया नेटवर्क है जिसको हम लोग लैन बोलते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क है जिसको हम लोग वैन बोलते हैं, वो आपको मैंने अभी करके दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, दोबारा वापस आते हैं। ऐसा है कि ना अभी हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस है ये हमारी ना इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाती है। प्रोटोकॉल मतलब जो आईपी एड्रेस है ना हमारा, जैसे आप आईपी एड्रेस देख लें 192.168.10.1, जैसे हमारे नाम होते हैं इमरान है, कामरान है, सलमान है, सर टीपू सुल्तान है, जिस तरीके से हमारे, इसी तरह जो डिवाइसेस होती हैं ना वो आईपी एड्रेस के थ्रू पहचानी जाती हैं। मतलब 192.168.10.10 ये हमारे पास ना एक आईपी एड्रेस है, इसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ये आईपी एड्रेस के थ्रू बोली जाती है। तो अब ये है कि हमने यहाँ पर एक जो जितनी भी हमने डिवाइसेस लगाई हुई हैं इनको फिलहाल अभी हम ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ ये हमारे पास एक बैंक है HBL और यहाँ हमने कह दिया पास बैंक है UBL और ये हमारे पास बैंक है MC और ये हमारे पास एक बैंक है अमेजान। अब ऐसा है कि आप सब स्टूडेंट जो भी मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप लोग फाइबर ऑप्टिक्स के स्टूडेंट हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है ना आप लोग बेसिकली ना उसके स्टूडेंट्स हैं, आपको भी आएगा। तो अभी हम नेटवर्क एक बनाएंगे, बैंक्स का नेटवर्क है। जब आप किसी बैंक में जा नेटवर्क इंजीनियर वहाँ पर आप कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको ना बैंक होते हैं वो पहले स्विच के साथ कन्फिगर करने पड़ते हैं, फिर आपको राउटर के साथ कन्फिगर करने पड़ते हैं। मतलब पहले आपको इसका लोकल पड़ता है, फिर आपको इसका वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। मैं ज़रा थोड़ी सी कनेक्शन देख लूँ कि आप
का जो लिंक है वो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कनेक्शन जो है वो प्रॉपर चल रहा है। मैं वीडियो चेक किया है, मेरे पास वीडियो व्यू जो है वो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये है कि हमने ना पीसी में जाना है, ये लैब आपको सेफ मिलेगा, आप बार बार प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं। अभी मैंने ना आपको आईपी एड्रेस के बारे में बोला है, तो मैं आईपी एड्रेस दूंगा यहाँ पर 2.2.2.2, ये मैंने मेरा जो HBL बैंक है उसको मैंने ये आईपी एड्रेस जनरेट कर दिया। जो नेटवर्क इंजीनियर है अभी हमारी बेसिक लैब है ये कंप्यूटर की, तो ये अब अभी हम उसको आईपी एड्रेस जो है वो 2.2.2.2 जो है वो हमने इसको दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, यहाँ हमने कमांड देनी है आईपी कन्फिग, कैपिटल में दे दें या स्मॉल में दे दें नो इशू, ये मैंने कमांड दी। अब आप यहाँ देखें जो हमने इसको आईपी दिया है ना 2.2.2.2, ये हमारा आईपी जनरेट हो गया 2.2.2। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो हमने आईपी दिया है उसको हमने कि वो आईपी हमारा वर्क कर भी रहा है, तो हमने एक कमांड देनी है पिंग की, पिंग 2.2.2.2, और हमने एंटर प्रेस करना है। ये हमारी कनेक्टिविटी हो गई, जो हमारा स्विच है वो हमारे पीसी के साथ कनेक्ट हो गया, और ये हमने पिंग करके चेक किया है तो इसमें वो सिंपल बता रहा है कि 4 पैकेट गए हैं और कोई पैकेट मास नहीं हुआ और 0% लॉस है। इसी तरह हम इसको क्लोज करते हैं, हमने एक नेटवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। देन हम जाते हैं दूसरे पीसी में, मतलब UBL बैंक में, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली ना ऑप्टिकल फाइबर इसमें हम लोग मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के जो कनेक्शन है ना वो हमने देने होते हैं। तो हमने डेफिनेटली एक नेटवर्क इंजीनियर होता है वो उसका कम्युनिकेशन लिंक जो होता है उसने चलाना होता है इसका ऑप्टिकल फाइबर का। तो उसका जो कम्युनिकेशन लिंक है हम दो तरह इंशाल्लाह यहाँ चला, एक तो हम करेंगे फिजिकल, अभी हम एक सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी मैं बता दूंगा। तो अभी एक फिजिकल हम करेंगे, डिवाइसेस हैं सिस्को की, ZTE की, हवावे की, TP लिंक की, D लिंक की और माइक्रोटिक की, ये कुछ डिवाइसेस हैं, उस पर हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अभी फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 3.3.3.3, ये हमने आईपी एड्रेस दी दूसरे पीसी को, और उसके बाद हम चले गए कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ हमने कमांड दी आईपी और एंटर प्रेस किया। अब इसमें कोई मिस्टेक हुई है, मैं कमांड में आईपी कॉन्फ़िग, ये मैंने प्रॉपर कमांड दी तो ये मेरे पास आईपी एड्रेस आ गया 3.3.3। अब आपको बेशक कॉन्फिडेंस है कि मेरा आईपी जो है वो बिल्कुल पिंग करेगा, लेकिन फिर भी आप इसको ना पिंग करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ करता हूँ पिंग 3.3.3.3 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास उसने ना आईपी एड्रेस कनेक्टिविटी दे दी। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आता हूँ तीसरे पीसी में, और फिर मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ मैं आईपी दूंगा 4.4.4.4, फिर मैंने इसको एंटर प्रेस किया। अच्छा, इसमें एक सबनेट मास्क है, एक प्रॉपर लेक्चर में आपको दूंगा कि सबनेट मास्क क्या होता है, और आईपी एड्रेस IPv4 यहाँ पर लिखा हुआ है वो IPv4 क्या चीज़ है। अभी हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट सेशन है लाइव, तो इसको आप शाबाश अभी देखते जाएं। तो नेक्स्ट हमने इसको हमने ना कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर हमने आईपी कॉन्फ़िग की कमांड दी, फिर हमने पिंग किया 4.4.4.4 और एंटर प्रेस किया। अब आपके सामने है ये हमारा 4.4.4.4 जो है ना, तो ये हमारा पिंग कर गया। अब फर्ज करें मैं यहाँ पिंग करता हूँ 5.5.5.5, अब आप देखें ये हमने नेटवर्क नहीं बनाया अभी तक, तो जो नेटवर्क हमने नहीं बनाया तो ये अभी पिंग नहीं करेगा, हम इसको कोशिश प्रेस किया। अब ये 4 टाइम्स कोशिश करेगा कनेक्टिविटी करने की, पिंग करने की, लेकिन ये करेगा। अगर एक पैकेट भी ये रिसीव कर लेता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कनेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। अभी 2 पैकेट हमारे मिस हो गए हैं, क्योंकि ये नेटवर्क में नेटवर्क बनाया ही नहीं था हमने, तो इसलिए जो है वो जो ये टाइम आउट आ रहा है इसका। अब ये 4 टाइम्स कोशिश करेगा कनेक्टिविटी करने की, अगर 4 टाइम्स में ये आप देखें 4 पैकेट हमने भेजे हैं, मतलब हमने 4 मैसेज सेंड किए हैं, कोई मैसेज हमारा रिसीव नहीं, 100% हमारे पास क्या है इसका लॉस आ गया। तो अभी नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हम अगले मिजान के पीसी में जाते हैं, जो हमारा मिजान बैंक है उसके ऊपर बना रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है 5.5.5.5, और इसको हमने क्लिक किया और उसके बाद क्लोज किया, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, यहाँ हमने कमांड दी आईपी कॉन्फ़िग की और पिंग किया 5.5.5.5 और एंटर। ये जब आपकी वीडियो मुकम्मल होती है तो ये आप बार बार सुन के, तो ये आज आप अपनी लैब मुकम्मल कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं टेलीकॉम के,
और फाइबर के इन लोगों ने टोटल 60 लैब्स हैं वो आपने कंप्लीट करनी है, तो वो 60 की 60 लैब्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। अपना लोकल एरिया नेटवर्क के ना आईपी एड्रेस मुकम्मल कर ली है। फ़र्ज़ करें आपको ये अगर ये भूल जाए कि आपने कौन सी लाइन कनेक्ट की हुई है, आप एरो थोड़ी देर के लिए लेकर आए और छोड़ दें, ये 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है और 5 आ रही है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जाते हैं स्विच में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग स्विच की ना फिजिकल कन्फिगरेशन भी करेंगे, अभी हमारे सामने ये ना मैंने इसको जूम किया है स्विच को, तो ये हमारे पास स्विच की जो है वो फ्रंट साइड है और ये हमारे पास स्विच की बैक साइड है। जो स्विच की फ्रंट साइड है ना, इसमें आप देखें ये पोर्ट्स बनी हुई हैं, ये सारी की सारी पोर्ट्स हमारी कनेक्शन पोर्ट्स कहलाती हैं। हमने जो कनेक्शन कनेक्टिविटी करनी है इसकी स्विचेस की डिवाइसेस के साथ और उसके बाद स्विच से यहाँ पे राउटर के साथ, तो ये हम उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये राउटर की फ्रंट साइड है जो नीचे वाली है, ये राउटर की बैक साइड है। बैक साइड में कंसोल पोर्ट है, कंसोल पोर्ट हम यूज़ करेंगे फिजिकली भी और सॉफ्टवेयर पे भी। अभी मैं फिलहाल सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 60 लैब्स हैं हमने ये सॉफ्टवेयर पे पूरी करनी है इंशाल्लाह बहुत फास्ट। अगली जो मैं लैब्स करवाऊंगा आपको ज़्यादा फास्ट करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये पावर केबल आ गई इसकी। अब हम जाते हैं CLI में। CLI का हमारा मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन, मतलब ये आप ऊपर देख लें ये iOS कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास मेंशन है यहाँ पे। पहला काम ये होता है कि हमने स्विच का ना नाम रखना होता है, हम करते हैं यहाँ पे अनेबल और उसके बाद हम करते हैं कन्फिग टर्मिनल। अब जैसे आप किसी कंपनी का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं PTCL, हमने स्विच का नाम सॉरी होस्ट PTCL, तो मैंने यहाँ होस्ट PTCL कर दिया। अब आप ये देखें कन्फिग्रेशन, अब इसको आप 3-4-5 बार प्रेस कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा जी इस तरीके से, ये प्रेस आप कर सकते हैं इसको। अब मैंने यहाँ से एग्जिट किया, अभी मैं ये स्विच में हूँ, मैं दोबारा आपको सेटिंग दिखाता हूँ। एक बार मैंने इसको क्लोज किया, मैं अब स्विच में चला गया, उसके बाद ये मैं चला गया इसकी, मैं पहले इधर फिजिकल में स्टार्ट में आप इधर होंगे, तो फिर अब मैं चला गया इसमें CLI में कमांड लाइन इंटरफेस में। अच्छा मैं यहाँ पर अब कमांड देता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो मैंने शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दी है। आपके सामने ये लिंक अप है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि मैंने 4 कंप्यूटर्स अटैच किए हुए हैं और 4 के 4 में हो रहे हैं। मैंने एक राउटर भी अटैच किया हुआ है, लेकिन राउटर को हमें पहले कन्फिगर पड़ेगा, फिर वो स्विच के साथ हमें इसकी कनेक्टिविटी शो करेगा। तो अभी आप देखिए हमने लिंक लगाए हुए हैं HBL, UBL और MCB और मिजान की कनेक्टिविटी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेटस मैं यहाँ कमांड देता हूँ शो IP इंटरफेस शो VLAN, शो VLAN। अब मैंने शो VLAN किया है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि 2, 3, 4 और 5 बिल्कुल कनेक्ट हैं और वो एक्टिव भी आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बताना है कौन सा बैंक हमने कनेक्ट किया हुआ है, मतलब 2 जो है वो उसके साथ कौन सा बैंक कनेक्ट है, 3 के साथ 4 के साथ और 5 के साथ कौन कौन सा बैंक हमारा कनेक्ट है। तो बेसिकली सबसे पहले हम VLAN कन्फिगर कर रहे हैं, ये हमारा VLAN की कन्फिग्रेशन चल रही है। क्या किया, यहाँ हमने कमांड दी कन्फिग टर्मिनल और इंटरफेस 0 ओब्लिक सॉरी ये कन्फिग टर्मिनल में गए और हम गए VLAN 2 में। VLAN 2 में ये है कि देखें एक सेट में आपने एक्सपर्ट होना है तो आपको उसकी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है, जैसे मिंग है तो आपको C++ करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको कोरल ड्रा एडोब और एडोब इलस्ट्रेटर करना पड़ता है, वेब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग करनी है आपने, आपको वर्डप्रेस या Wix.com पे जाना पड़ता है, या आपको HTML या आपको JavaScript और PHP ये आपको करने पड़ते हैं, तो यानी वो डिज़ाइन। इसी तरह आपने अगर कन्फिग्रेशन सीखनी है ना तो आपको फिर उसकी लैंग्वेज जो है कन्फिग्रेशन, सबसे बेस्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर है, उस पर आपने काम, तो ये चीज़ हमने करनी है। तो अभी हम VLAN 2 में जा रहे हैं और उसके बाद वो नेम दे रहे हैं HBL, तो उसके बाद हमने इसको एंड किया। अब मैं यहाँ कमांड दूँगा शो VLAN की कमांड दी आपके सामने है, ये 2 नंबर जो हमारा लिंक है वो हमने HBL का आ गया। मतलब जैसे आप लिंक देते हैं, कनेक्शन देते हैं इंटरनेट के लिए, तो इंटरनेट का कनेक्शन डेफिनेटली स्विच से होगा राउटर में। फिलहाल हम स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क अपना कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर देख लें हमारा नेटवर्क जो है ना वो HBL हो गया। फिर नेक्स्ट हम दोबारा जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल में, वही मेथड हमें बार बार करना पड़ेगा। VLAN 3 में जाएंगे, नेम UBL, और अब आप देखिए मैंने बाहर भी UBL है और अंदर भी हमने ना UBL कर दिया स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन। शो VLAN करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर लिंक है, ये आपके सामने आ रहा है 3 नंबर लिंक हमारा किसमें आ गया UBL में, तो ये UBL को मिल गया। फिर नेक्स्ट हमने आना है दोबारा कॉन्फ़िग टर्मिनल में और फिर VLAN
फोर में, और नेम हमारा एमसीबी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने एंड किया और शो वीलैन किया आपके सामने स्टूडेंट्स। तो ये फोर नंबर लिंक जो है वो हमारा नेक्स्ट हमने क्या किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया और फाइव है और नेम हमने रख दिया ये हमें मिजान बैंक कर दिया, एंड किया। फिर हमने शो वीलैन किया और उसके बाद ये हमारा मिजान बैंक जो है वीलैन कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि आपके सामने है, मतलब ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी चला सकता हूँ, लेकिन मैंने लाइव इसलिए किया कि आप लोगों को भी आइडिया हो कि हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बनाने की, करने की आपके लिए। तो आप लोग भी लाइव जो है वो फिर स्टडी करें, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब सर लाइव हैं वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके अपनी जान नहीं छुड़ा रहे, वो भी लाइव पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमने भी लाइव होना है। लोकल एरिया नेटवर्क हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुकम्मल कर लिया। अब हमने नेक्स्ट करना है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं ये इसके नेक्स्ट, सॉरी हमने इसके वो कनेक्शन क्रिएट कर। दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं। अब हमने ना जो स्विच के थ्रू इंटरनेट सर्विस है ना, हमने वो रन करनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे और इंटरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना ये दिखा दूँ ज़रा, शो वीलैन की कमांड मैंने की है। तो यहाँ पर आप देखें 2, 3, 4 और 5 ये सारे बैंक शो हो गए आप, यानी एच बी एल भी आ गया, यू बी एल भी आ गया, मिजान भी आ गया, मतलब ये बैंक जो एक्टिव हो गए हैं, शो हो गए हैं हमारे पास। अब हमने इनमें जो कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन लिंक है वो हम देख लें बैंकों में, वो हमारा बेसिकली ना इस साइड पे होगा शो, इस पॉइंट पे जहाँ मैंने ये क्लिक किया है, इस पॉइंट पे हमारे पास शो होगा। तो मैं अब इसको कन्फिगर करता हूँ, मैं जाता हूँ कन्फिग टर्मिनल में और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंटरफेस एफ ए जो ओब्लिक 2। ये अब हम जो इंटरफेसिस है ना उसमें हमने जो लिंक क्रिएट करना है ना, अब हम उसके हवाले से काम कर रहे हैं। तो पास आ गया इंटरफेस एफ ए 0 ओब्लिक 2 और नेक्स्ट हम करते हैं वीलैन 2 और सॉर्ट एक्सेस वीलैन 2 और एंड। अब आप देखें मैं जो कॉन्फ़िगरेशन की है, जो कम्युनिकेशन की है मैंने स्विच के साथ, वो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस एफ ए 0 ओब्लिक 2 में गया, मैंने उसके साथ कम्युनिकेट किया कि 0 ओब्लिक 2 में जाना है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है आप 0 ओब्लिक 2 में चले जाएं, वो जो है वो मेरी डिवाइस है यानी पीसी है, और 2 जो है वो मेरा पोर्ट है यानी। उसके बाद मैंने उसको कहा डिस्क्रिप्शन वीलैन 2 में जाना है। डिस्क्रिप्शन वीलैन 2 का मतलब ये है कि मुझे जो है वो, मैं पहले एक नेटवर्क एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैंने वीलैन में जाने दिया जाए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2, इसका मतलब ये है कि मुझे स्विच पोर्ट की जो है वो एक्सेस चाहिए। तो उसने ठीक है मुझे एक्सेस दे दी, अब मैं यहाँ दूंगा शो वीलैन की। तो मैंने शो वीलैन की कमांड दी, आपके सामने है मेरा ये एफ ए 0 ओब्लिक 2 आ गया, मतलब जो हमारा स्विच है वो फास्टली जो है ना वो 2 नंबर लिंक हमारा कन्फिगर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 4, 5 नंबर लिंक है कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करता हूँ, यानी 3 और 4 को मैं छोड़ देता हूँ, मैं 5 को कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कन्फिग टर्मिनल में जाऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 3 और 4 जो है वो, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन वीलैन 5 और ये स्पेलिंग देखें मेरी मिस्टेक हुई है, तो जैसी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है उसने ना वो मुझे यहाँ बता दिया डिस्क्रिप्शन वीलैन 5। नेक्स्ट आ जाएगा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 5 और एंड शो वीलैन। ये मैंने शो वीलैन किया, ये स्टूडेंट्स अब आपके सामने है। एफ ए 0 ओब्लिक 2 जो है वो कम्युनिकेशन लिंक हो गया स्विच के साथ पीसी का, और इसी तरह हमारा जो है ना एफ ए 0 ओब्लिक 5 जो कम्युनिकेशन लिंक है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब 2 लिंक हमारे आ गए हैं 3 और 4 नंबर, ये 3 है और ये 4 नंबर है। अब हमने ये क्रिएट करना है, ये मैंने 3 और 4 इसलिए छोड़ा कि आपको आइडिया हो जाए कि ये कम्युनिकेशन लिंक की लाइन वाइज नहीं कर रहे हम, जो हमें पेमेंट कर देता है जैसे हमने एच बी एल ने हमें पेमेंट कर दी इंटरनेट कनेक्शन के लिए और एम सी बी ने हमें पेमेंट कर दी पी टी सी एल को इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो हमने उनके इंटरनेट सर्विसेज चला दिए। अब नेक्स्ट मैं आप कर रहा हूँ 3 नंबर, तो मैं क्या करूँगा कन्फिग टर्मिनल में जाऊँगा और इंटरफेस एफ ए 0 ओब्लिक 3 डिस्क्रिप्शन वीलैन 3 है और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3 एंड शो वीलैन। और ये आप देखें ये मैंने ना कॉन्फ़िगर कर दिया है, 3 नंबर भी मेरे पास कॉन्फ़िगर हो गया। अब लास्ट मेरे पास रह गया 4 नंबर,
तो मैंने फोन नंबर कन्फिगर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इंशाल्लाह समझ आ रही होगी। कोई इशू होगा तो वो हम क्लास के बाद ना मज़ीद व्हाट्सएप पे और इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कमेंट्स में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमने किया कन्फिग टर्मिनल और इंटरफेस एफ ए ज़ीरो ओब्लिक 4। देन हमने करना है डिस्क्रिप्शन VLAN 4 और डिस्क्रिप्शन के फिर स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो गए, वो मैं ज़रा फास्ट टाइप कर रहा हूँ, ज़रा हो जाती है मिस्टेक। डिस्क्रिप्शन VLAN 4 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4, ये हमने फिर हमने एंड किया और शो VLAN किया। तो ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये हमारे पास स्विच का जो नेटवर्क है वो हमने कॉन्फ़िगर कंप्लीट हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, इसका कम्युनिकेशन लिंक भी हमने क्रिएट कर लिया और लिंक भी हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो है लोकल एरिया नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, मतलब स्विच के साथ हमने लोकल एरिया नेटवर्क हमने किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने वाइड एरिया नेटवर्क कैसे कंप्लीट करना है अपना। वाइड एरिया मतलब जो राउटर के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होती है स्विच के साथ, वो हमने कैसे कंप्लीट करनी है। अब हम आते हैं, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ जो है वो स्क्रीन को, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आता हूँ दोबारा। नेक्स्ट अब हम देखें, आप यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक में ये ग्रीन जो हुआ हुआ है ना पीसी से स्विच जो है ये ग्रीन है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब हमने जाना है वाइड एरिया नेटवर्क पे। शुरू में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, ऐसा नेटवर्क जिसमें स्विच इन्वॉल्व हो पीसी के साथ, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, और राउटर अटैच हो स्विच के साथ तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब फिलहाल हम इसमें क्लिक करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे, कमांड लाइन इंटरफेस में जाते हैं CLI में, और उसके बाद हम इसको ना जब हमने फर्स्ट टाइम राउटर को ओपन करना है तो हमने यहाँ पर नो लिखना होता है, तो मैंने ये नो लिखा तो मैं अब किस में चला गया राउटर में। अच्छा अब ये है कि हमें कम्युनिकेशन लिंक में ना राउटर जो है ना ये हमारा आ गया स्टेट बैंक, ये हमारा स्टेट बैंक आ गया। अच्छा स्टूडेंट, हमने एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है कि स्टेट बैंक जो है ना वो पिंग करे HBL को, तो जो ऑप्शंस वगैरह हो रही हैं या जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो स्टेट बैंक देख सके HBL में क्या, और लेकिन HBL जो है वो स्टेट बैंक को ना देख सके। जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उन सबको लुक आफ्टर करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी ये पाकिस्तान में जितने भी GSM नेटवर्क हैं उनको देखता है ये PT कम्युनिकेशन अथॉरिटी, और इसी तरह जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उसको आफ्टर करता है, उसको पैमरा करता है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसी तरह जो हमारा पैसा है सारा वो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो उसको देखता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्या अर्निंग हुई, इसकी टैक्स रिटर्न क्या हुई। इसी तरह जो सारे बैंक हैं उसको देखना कौन किसे होता है, स्टेट बैंक ने देखना होता है। तो हम एक लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी जो इसका राउटर से कैसे कन्फिगर करना है। हमने सबसे पहले किया अनेबल, अब कन्फिग टर्मिनल में चले गए। सबसे पहले हमने राउटर का नाम रखना होता है, अब राउटर का नाम हमने बाहर लेबल कर दिया है स्टेट बैंक, और अभी हमने अंदर भी लेबल करना है, तो हम क्या करेंगे कन्फिग टर्मिनल में जाएंगे और होस्ट कर देंगे स्टेट बैंक। ये हमने स्टेट बैंक किया, नेक्स्ट हमने एग्जिट किया। अब देखें स्टूडेंट, जैसे इंटरनेट में कोई स्पेस नहीं होती ना, अगर हम स्टेट और स्पेस और बैंक कर देंगे ना तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा स्पेस को, जैसे इंटरनेट आप स्पेस देंगे एड्रेस पे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, इसी तरह जो स्टेट बैंक है ना आपको ये सारा एक साथ ही लिखना पड़ेगा, इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते वरना अदरवाइज वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने राउटर में जाना है तो हमने show IP interface brief की कमांड देनी है, तो हमने शो आई पी ब्रीफ की कमांड दी तो हमारे पास 0.0 जो है ना वो आप देखें डाउन आ रहा है, जबकि 0.0 जो है वो स्टूडेंट हमने ना अटैच किया हुआ है स्विच के साथ, और स्विच आगे 2, 3, 4, और 5 के साथ अटैच है। तो मैं अब इसको कॉन्फ़िगर करूंगा और यहाँ आप ये ओके यस आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउन आ रहा है लिंक, मतलब हमारा ऑप्शन लिंक अभी स्विच के साथ डाउन है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क हमारा अभी कंप्लीट एस्टेब्लिश ना किया। इसको कॉन्फ़िग टर्मिनल में गए, उसके बाद हम गए इंटरफेस FA 0.0 में, तो 0.0 हम इसको इसलिए बोलेंगे, जीरो जो है वो ये जो 0.0 जो है ये हमारे पास राउटर की पोर्ट है उसका। तो नेक्स्ट हमने इसको दिया IP एड्रेस,
और आईपी एड्रेस मैंने बताया था, जैसे हम लोगों के नाम होते हैं इसी तरह जो डिवाइसेस होती हैं उनके नाम होते हैं। तो अभी हम आईपी एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं 192.168.192.168.10.15.255.255.255.0। हमने किया नो शट एंड और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जब हमने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया तो स्टूडेंट्स आपके सामने है 192.168.10.1, ये हमारा आईपी एड्रेस एस्टेब्लिश हो गया और ये अप भी है। फिर देन हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पिंग 192.168.10.1 और हमने इसको एंटर प्रेस किया तो आप देख लेंगे ये 192.168.10.1 जो है ये हमारा आईपी एड्रेस सक्सेस रेट 100% आ रहा है, मतलब हमारी कनेक्टिविटी हो गई है। देखें जैसे मैं अभी इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी में देखना चाहता हूँ कि कैसे एस्टेब्लिश है। तो एक तो मैं ये है कि आप यहाँ से सिग्नल्स देख लें, तो सिग्नल्स के आने से ये नहीं होता कि इंटरनेट चाह रहा है। हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने के लिए सीएमटी में जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ हम पिंग करते हैं google.com, ये हमने किया google.com और एंटर प्रेस किया। अब देखें हमने google.com किया और एंटर प्रेस किया ना, तो ये हमारे पास गूगल की जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस आ गया 172.217.17.7। हमारा बेसिकली किसका आईपी एड्रेस है, गूगल का आईपी एड्रेस है। ठीक है, इस तरह कोई भी नेटवर्क है उसका आईपी एड्रेस होता है। जैसे हम पिंग करते हैं facebook.com तो हमारे पास ये फेसबुक का आईपी एड्रेस आ गया। ये मैं अपने लैब की सर्च में जाके सीएमडी मैंने लिखा है तो मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई। एक बार मैं दोबारा आपको चेक करवा, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सर्च में और सीएमडी लिखते हैं। सीएमडी का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। इसके बाद हम उसको एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पिंग करते हैं google.com और ये गूगल का आईपी एड्रेस हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने पिंग किया youtube.com तो ये हमारे पास youtube का आईपी एड्रेस आ गया। इसी तरह हम पिंग करेंगे facebook.com तो ये हमारे पास फेसबुक का आईपी एड्रेस आ गया। अगर आप हमारे कैंपस है उसकी वेबसाइट पिंग करते हैं, जैसे ये h4trainings.com trainings, ये हमारे h4trainings.com का आईपी एड्रेस आ गया। तो मतलब ये नेटवर्क है उसका आईपी एड्रेस मस्ट होता है ताकि वो कनेक्टिविटी में आपके। तो वापस आते हैं स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो नेटवर्क क्रिएट किया है वो हमने वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट किया है। तो जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है ना, वो वाइड एरिया नेटवर्क हमारा जो क्रिएट हुआ है वो हमने राउटर से स्विच के साथ किया है। राउटर से स्विच के साथ हमने अपना वाइड एरिया नेटवर्क कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब हमने ना राउटर टू पीसी जाना है, मतलब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना वो देखना चाहता है कि HBL, UBL, लाइट बैंक और MCB क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन हो रही है उनकी, तो वो हमने उसको देखना है कि वो हम किस तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे। तो हम वापस जाते हैं, मैं इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस पे अपने सॉफ्टवेयर पे जो हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है। अब आप इसमें देखें जरा स्क्रीन पे, हमारे पास ग्रीन कलर का लिंक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा राउटर जो है वो स्विच के साथ प्रॉपर कनेक्ट है। फिर स्विच से हमारा पीसी जा रहा है लिंक, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्विच है वो पीसी के साथ कनेक्ट है। इसकी कंफर्मेशन ऐसे है कि ये ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन है। अब हमने ना यहाँ से राउटर ओपन किया। अब हमने ये चेक करना है कि जो HBL बैंक है उसका कम्युनिकेशन लिंक चेक करना है। हम स्टेट बैंक को चेक करते हैं। मैं इसको पिंग करता हूँ 2.2.2.2 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी आप देखें ये पिंग नहीं कर रहा, क्योंकि डेफिनेटली पिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको नहीं कॉन्फ़िगर किया। जब मैं इसका नेटवर्क कॉन्फ़िगर करूँगा तो ये इसको प्रॉपर पिंग करेगा इसको। तो फिलहाल अब इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने किया कॉन्फ़िग टर्मिनल, वो नहीं हुआ कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद हमने किया इंटरफेस FA0/0.2। तो 0/0 जो है वो पोर्ट इसकी राउटर की, जैसे अभी हमने कॉन्फ़िगर की थी, और 2 जो है वो HBL बैंक का। ये हमारा लिंक एस्टेब्लिश हो गया। हमने यहाँ पे एंड किया और हमने किया शो आई इंटरफेस ब्रीफ। जब मैंने शो आई इंटरफेस ब्रीफ किया स्टूडेंट्स, आप देखें पर हमारे पास 2 आ गया लिंक, लेकिन अप भी हो गया, लेकिन अभी वो पिंग नहीं करेगा क्योंकि उसका आईपी एड्रेस जनरेट नहीं हुआ। जब तक किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस जनरेट, तब तक हम लोग इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। यानी जो किसी भी डिवाइस जनरेट ना हो हम उसको पिंग ही नहीं कर सकते, मतलब उसका जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हम जाते हैं टर्मिनल में
और इंटरफेस एफ ए 0.0.2, ये मैं दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया ना, हमें ये एक लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी, जैसे हम उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें हमें समझ गया, तो इसी तरह चाइनीज़ में या पश्तो में बात करेंगे तो मुश्किल होगी क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। इस तरह अगर आपने कम्युनिकेशन को समझना है तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को आपने समझना होगा। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, इंटरफेस एफ ए 0.0.2 है, तो मैंने उसको 0.0.2 मतलब मुझे राउटर से पीसी में जाना है, मैं स्विंग और राउटर से पीसी में जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने किया एनकैप्सुलेशन स्पेस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एनकैप्सुलेशन की जो कमांड है ना वो हम इसलिए लगाते हैं कि डेफिनेटली जो बैंकों की इंफॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट होती है, तो वो लीक आउट नहीं होनी चाहिए, तो हम एक प्रोटोकॉल लगाते हैं इसका, एनकैप्सुलेशन का एक लगाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो लीक आउट नहीं करेगा, मतलब इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, सिक्योर है। उसके बाद फिर हमने किया .2 स्पेस क्वेश्चन मार्क, फिर हमने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हम देंगे आईपी एड्रेस और फिर हम करेंगे 2.2.2.2 और 255.0.0. ये सॉरी थोड़ी सी मेरे पास मिस्टेक होगी, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस इधर मैं कर रहा हूँ 2.2.2.2 और 255.0.0.0 और एंटर किया, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने किया एंड और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2.2.2.2 जो है ना वो हमारा अप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि राउटर से मैंने कम्युनिकेशन लिंक जो है वो पीसी के साथ कनेक्ट अप कर लिया। मैं यहाँ पे पिंग करूँगा, कनेक्ट कर लिया, ये मैं एस्टेब्लिश कर लिया सॉरी, तो मैं ये पिंग करूँगा 2.2.2.2 और एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास कनेक्टिविटी इसकी ना पिंग कर ली। तो अब नेक्स्ट मैंने दोबारा वही प्रोसेस है, देखें मैंने बार बार वही कॉन्फ़िगरेशन करनी होती, तो एक मैं लिंक और क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग टर्मिनल में, नेफेस एफ ए 0.0.3, अब 3 मेरा यू, मैंने यहाँ पे एंड किया। नेक्स्ट मैंने किया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा जब आप लेक्चर से फ्री होंगे इंशाल्लाह, आपको अपलोड की तो आपको ताकि स्टडी में इशू ना हो कोई। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ने, तो आप देखें ये हमारे पास आ रहा है 3 नंबर लिंक एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन अभी आईपी जनरेट नहीं हुआ तो हम इसको अभी नहीं कर सकते पिंग। टर्मिनल और इंटरफेस एफ ए 0.0.3। नेक्स्ट हमने किया डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन ही वो हमने स्विच में करना था, एनिमेशन स्पेस क्वेश्चन मार्क, देन हमने किया .3 स्पेस क्वेश्चन मार्क, फिर एंटर, फिर हमने दिया आईपी एड्रेस और हमने कर दिया 3.3.3.3 और 255.0.0.0 और एंटर प्रेस किया, एंड किया और शो आईपी इंटरफेस, आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दिया। तो जो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने किया तो आपके सामने है, ये 3 जो हमारा लिंक है वो हमारा एस्टेब्लिश हो गया, लिंक भी हमारा अप हो गया, मतलब जो ना यूबीएल उसका भी कम्युनिकेशन लिंक स्टेट बैंक से हमने से स्टेट बैंक कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पिंग करता हूँ 3.3.3 और हमने एंटर प्रेस किया तो आप ये देखें सक्सेस रेट इज 100% आ रहा है हमारे पास। अब 2 कम्युनिकेशन लिंक रह गए हैं, 4 और 5, वो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि वो आप फिकर भी कर लें। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस एफ ए, इंटरफेस एफ ए 0.0.3, नेक्स्ट आएगा हमारे पास एनकैप्सुलेशन .3 स्पेस क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद हमने एंटर साइन प्रेस करना है। मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ आपको, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और आपको पता ना एंटर साइन आपने प्रेस करना है। नेक्स्ट आ जाएगा आईपी एड्रेस हमारे पास, तो 3.3.3 और 255.0.0.0 एंटर और शो, इसको आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। हमने करना है शो आईपी इंटरफेस, सॉरी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया तो स्टूडेंट अब आपने है, तो 3.3.3.3 हमारा लिंक क्या हो गया, अप हो गया। अब मैं जा रहा हूँ 4th नंबर लिंक पे, मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग टर्मिनल में, ये मैं टर्मिनल में गया, उसके बाद मैंने किया इंटरफेस एफ ए 0.0.4। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो ना वो कर देते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो ओ का प्रेस करते हैं, वो गलत है, वो आपने ओ का नहीं करना, वो सेफ्टिंग ही करेगा इसको। फिर मैंने एंड किया और शो आई पी इंटरफेस इंटरफेस ब्रीफ किया और आप ये देखें ये मेरे पास 4 नंबर लिंक आ गया, लेकिन इसका आईपी एड्रेस जनरेट नहीं हुआ। जब तक आईपी एड्रेस स्टूडेंट जनरेट नहीं होगा तब तक जो है वो हमारी कनेक्टिविटी वो शो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर दोबारा हम चले गए कॉन्फ़िग में
और इंटरफेस एफ ए 0.04। नेक्स्ट हमने किया एनकैप्सुलेशन। देखें वही कॉन्फ़िगरेशन है आपको, बस ये बार बार इसलिए करवा रहे हैं, कंप्लीट मैंने करनी है ताकि आपको भी लैब आप खुद करें। एनकैप्सुलेशन स्पेस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमने किया .4 स्पेस क्वेश्चन मार्क। फिर आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस हमने दे दिया 4.4.4.255.0.0.0। नेक्स्ट हमने किया एंड और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया है, तो स्टूडेंट देखिए मैंने चारों लिंक ना एस्टेब्लिश करनी है, तीनों सॉरी, टू वाला भी कर लिया, थ्री वाला भी, फोर वाला भी लास्ट रह गया है, उसको मैं जल्दी से कॉन्फ़िगर करूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ हमने क्या कर। हम गए कॉन्फ़िग टर्मिनल में और इंटरफेस एफ ए 0.0.5 ये लास्ट हमारा लिंक रह गया। फिर हमने एंड किया और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक किया, तो ये आपके सामने है, तो हमारे पास जो है ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो ये लिंक आ गया, लेकिन अभी आईपी एड्रेस जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाता हूँ और इंटरफेस एफ ए 0.0. नेक्स्ट मैं करूँगा एनकैप्सुलेशन स्पेस क्वेश्चन मार्क .5 स्पेस क्वेश्चन मार्क, देन एंटर साइन और मैं यहाँ दूंगा 5.5.5.5 और 255.0.0.0। नेक्स्ट हमने किया एंड और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और आप ये देखें स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉन्फ़िगर हो गया, राउटर भी कॉन्फ़िगर हो गया और जो सारे बैंक हैं वो भी हमारे कॉन्फ़िगर हो गए। आज इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो नेटवर्क आपका सिक्योर भी होना चाहिए। तो हमने अब क्या करना है कि जो नेटवर्क हम बना रहे हैं वो सिक्योर भी होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी उस नेटवर्क को। तो अब मैं एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने लगा हूँ, हम उसको क्या लगाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे उस नेटवर्क को। तो सिक्योरिटी अब कैसे लगानी है हमने उस नेटवर्क को, तो आप आ जाएं, हम आते हैं। अब ये सारा काम हम राउटर से करते हैं, अब मैं राउटर में आ रहा हूँ। अब जो मेरा नेटवर्क है इसको मैंने सिक्योरिटी लगानी है, तो मैं अब क्या करूँगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊँगा और लाइन कंसोल ज़ीरो। तो उसके बाद लाइन कंसोल ज़ीरो, यानी जो लाइन कंसोल ज़ीरो है ये मैंने सिक्योरिटी के लिए, जिसमें पोर्ट में वो कंसोल केबल लगती है, ये मैं उसको सिक्योरिटी लगाने लगाऊँ ताकि हमारा नेटवर्क जो है वो ना हो सके, हैक ना हो सके, तो वो सिक्योर रहे। तो लाइन कंसोल ज़ीरो और पासवर्ड मैं दे रहा हूँ इसको PTCL, और उसके बाद मैं करता हूँ इसको लॉगिन और एंड। नेक्स्ट मैंने किया शो, मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको यहाँ से। तो अब आप ये देखें, ये पासवर्ड मांग रहा है, 3 times ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड दे दूंगा तो वो फिर ब्लॉक कर देगा डिवाइस को, तो मैं फिलहाल इसको पासवर्ड दे रहा हूँ। और एक चीज़ आप देखें, जब आप पासवर्ड देते हैं तो वो लाइन मूव नहीं करती, आप कोई भी पासवर्ड दें ना तो उसमें क्या होता है कि .. आता है, लेकिन इसमें आप पासवर्ड देते हैं तो लाइन मूव नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये इनक्रिप्टेड है, जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो चैट वगैरह मैसेजेस वगैरह सारे इनक्रिप्टेड होते हैं, वो सिक्योर होते हैं, कोई और उसको नहीं पढ़ सकता, देख सकता आपकी इजाज़त के बगैर। तो इसी तरह जो ये डिवाइसेस हैं ये क्या है, इनक्रिप्टेड है, यानी सिक्योर है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, अनेबल। अब मैं यहाँ पे कमांड दूंगा शो रन की कमांड मैं दूंगा, तो आप ये देखें कि मैंने ना लाइन कंसोल जो पासवर्ड दिया है ना, ये मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन चल रही है, जो जो सी मैंने डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके सामने वो देख लें आप। तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें यहाँ पे हमारे पास लाइन कंसोल ज़ीरो है और पासवर्ड क्या चाह रहा है, PTCL चाह रहा है पासवर्ड। तो ये अब मैंने लाइन कंसोल सिक्योरिटी कर दी, मैंने ये यानी मैंने कंसोल जो केबल है वो मेरा। नेक्स्ट मैं किसमें जाऊँगा, मज़ीद मैंने ना सिक्योरिटी और इम्प्रूव करनी है, तो मैं अब लगाऊंगा अनेबल पासवर्ड। मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग टर्मिनल में और अनेबल पासवर्ड PTCL 123। तो ये मैंने पासवर्ड दे दिया, एंड किया, मैं एग्जिट करूंगा तो ये लाइन कंसोल पासवर्ड मांगेगा, वो मैंने दे दिया PTCL। फिर मैंने अनेबल किया, ये स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं ज़रा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइव चल रहा है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो मेरी वजह से। तो नेक्स्ट हमने अनेबल पर क्लिक किया, वो देखें फिर पासवर्ड मांग रहा है, तो फिर क्या था, PTCL 123 मैंने दिया था पासवर्ड, तो ये मैंने पासवर्ड इंप्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट मैंने एक और पासवर्ड करना है, मैंने अपनी डिवाइस को मज़ीद सिक्योर करना है, तो मज़ीद सिक्योर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लाइन VTY पासवर्ड में जाता हूँ, तो मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊँगा और लाइन VTY स्पेस 0 स्पेस 4 और पासवर्ड PTCL 345।
और एंटर। अच्छा स्टूडेंट, जब तक मैं लॉगिन का वर्ड यूज नहीं ना करूंगा, लॉगिन का वर्ड, तब तक मेरा ये पासवर्ड इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो मैं अब करता हूँ एंड, और अब आप देखें शो रन की कमांड दें या शो रनिंग डैश कन्फिग की कमांड दें, एक ही बात है, मैं शो रन की कमांड दे रहा हूँ। तो आप ये देखें, ये मेरे पास आ गया अनेबल पासवर्ड। हम आगे चलते हैं यहाँ से, ये कुछ राउटर की इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब इंटरफेस की आईपी एड्रेस आ रहा है इसका, और सारी डिवाइसेस जो है मैंने जो कॉन्फ़िगर की हुई हैं उनके आईपी एड्रेस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आप स्टूडेंट देखें, लाइन कंसोल पासवर्ड आ रहा है पीटीसीएल, और लाइन वीटीवाई पासवर्ड पीटीसीएल 345 आ रहा है, ये देखें दोनों पासवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको ना नेटवर्क को ना सिक्योर करना बता दिया है, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने नेटवर्क को ना ये नेटवर्क को सिक्योर कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि वो मैंने ना नेटवर्क को हमने वो कर लिया, सिक्योर कर लिया नेटवर्क को। तो आई थिंक वो मैंने ना स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी, तो ये एक मिस्टेक हो गई मुझसे। तो एक काम करते हैं, मैं अब आपको दोबारा जो है वो नेटवर्क को, पहले जो मैंने नेट पासवर्ड लगाए थे वो मैं ख़त्म करके दिखाता हूँ, फिर मैं वो पासवर्ड जो है ना वो मैं आपको दोबारा लगा के दिखा दूँगा। तो पहले मैंने टर्मिनल में किया, मैं पासवर्ड ख़त्म करके दिखा रहा हूँ लाइन कंसोल, बल्कि पासवर्ड मैं आपको ना इंप्लीमेंट करके दिखाई देता हूँ। लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड पीटीसीएल और लॉगिन, ये मैं अब जल्दी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। एंड किया, फिर मैंने कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया और अनेबल पासवर्ड पीटीसीएल 123 ये प्लग गया, फिर मैंने एग्जिट किया, फिर मैं दोबारा कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया और फिर मैंने पासवर्ड लगाया कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाकर, लाइन VTY स्पेस 0 स्पेस 4 और पासवर्ड PTCL 345 और लॉगिन। पहले मैं आपसे सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, मैं वो स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं कर सका। अब मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है तो अब आपने देख लिया होगा, और ये मैं आपको ना रिटर्न में भी लिख कर दे दूंगा। एक लेक्चर, अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पूरी डिटेल एक कॉपी पे, मतलब पेज पे लिखी होगी, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट, मैंने ना ये पासवर्ड सारे चेक करने हैं कि वो पासवर्ड लग गए हैं, मैं एग्जिट करके बाहर आ रहा हूँ, शो की कमांड दे रहा हूँ। तो शो रन की कमांड दी, यहाँ पे आप देख लें हमारे पास अनेबल पासवर्ड आ रहा है, फिर मैं आगे जा रहा हूँ और ये मेरे पास सारा आ रहा है वो कम्युनिकेशन लिंक, वो जो डिवाइसेस मैंने अटैच की हुई हैं, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है लाइन कंसोल पासवर्ड, और यहाँ पे आ रहा है लाइन VTY पासवर्ड। ये अब आपके सामने है स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, अब इन पासवर्ड को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ख़त्म इसलिए करना है, मतलब मेरे, तो डेफिनेटली अगर एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपने जॉब छोड़ दी, तो दूसरा पर्सन जो वो सबसे पहला काम क्या करेगा, पासवर्ड्स को रिमूव करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो ऑनलाइन कहीं कर सकता है नेटवर्क। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल में गए और कंसोल 0 और पासवर्ड नो लॉगिन एंड, तो इन कंसोल पासवर्ड क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अगर मैं एग्जिट करता हूँ ना, ये देखें अभी नहीं मांग रहा, अब मैं अनेबल करूँगा तो मांगेगा दूसरा पासवर्ड, और वो था PTCL 123, ये मैंने दे दिया। अब मैंने ना अनेबल पासवर्ड ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊँगा और नो अनेबल पासवर्ड, तो मैंने नो अनेबल पासवर्ड करके एंड किया, अब मेरा अनेबल पासवर्ड भी ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊँगा कॉन्फ़िग टर्मिनल में,